नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं मिस्टर रमानंद जी, जो कागज की कश्ती के डायरेक्टर हैं और जगजीत जी के बड़े फैन हैं, ऐसा बोल सकते हैं। सो हम आज उनसे मुलाकात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ कि हमारी मुलाकात हो रही है और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं। तो आज हम जगजीत जी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सूरत में आएंगे। सूरत बहुत ही प्यारा जगह है और कभी भी मैं बात नहीं कहूँगा कि आया हूँ, मगर जितनी मैं एक भी बार आया हूँ एक तरह के एक्सपीरियंस एक्सटेंशन मिलती है उनके लीनेज को, उनकी लेगेसी को, वो हमें चाहिए जगजीत जी को कंटिन्यू रहे हम सबके लिए। तो आज की स्क्रीनिंग वही है, इसी में है। हमारे साथ तनवी जी हैं, डायरेक्टर हैं जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल इस प्रोग्राम में। और आप ये तनवी जी से हम मुलाकात करते हैं, ये कागज़ की कश्ती डायरेक्टर है। सो हम आपसे बात करेंगे, आपने ये जो मूवी की स्क्रीनिंग आज यहाँ पे रखी हुई है, तो ऐसा एक्सक्लूसिव किया है जगजीत सिंह के लिए, क्योंकि जो उनकी यादें हैं वो भुलाई नहीं जा सकती। और हमारे सूरत नहीं, पूरे गुजरात में जगजीत जी के बहुत फैन हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, ऑफकोर्स जगजीत जी के गाने, उनका उनकी यादें वो भुलाई नहीं जा सकती, हर रोज़ याद कर सकते हैं हमने। पर ये कुछ बहाने मिल जाते हैं ये ओकेजन्स पे, जब लाइक उनके बर्थडे हो या उनका डेथ एनिवर्सरी, जब वो याद ताज़ा करने का बहाना मिल जाता है। और उसके लिए ये जो इतने प्यार से ऑर्गेनाइज किया है ये पूरा शो, उसमें हम बहुत खुशी फील होती है कि इसमें हम इसका पार्ट बन सक रहे हैं। और यहाँ इतने अच्छे लोग हैं, इतने जोश के साथ देखने आए हैं, एंड वी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर जी। रमानंद जी, आप हमारे सूरत वासियों के लिए क्या मैसेज देंगे आज? सूरत वासियों के लिए और सबके लिए मैं ये आज शाम के लिए ये कहना चाहूँगा कि जब जगजीत सिंह गुजरे तो वो सिर्फ गुजरे नहीं, उसी के साथ साथ अमर भी हो गए। तो इस दिन को हम डेथ एनिवर्सरी नहीं कहना चाहेंगे, हम इमोर्टैलिटी अमृत दिवस कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग कभी गुजरते नहीं हैं स्पिरिचुअली इमोशनली गुजरते हैं। ये हमारी और आपकी और सबकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के लेगेसी को हम कायम रख सकें। जो आज के जनरेशन है वो देख सकें, आने वाले दो जनरेशन, तीन जनरेशन, दस जनरेशन देख सकें। और ये तभी होता है जब उनके म्यूज़िक को सुना जाता है, जब उनके जीवन को समझा जाता है। तो उसमें एक छोटा सा हाथ हमने बनाया है वीडियो कॉन्फ्रेंस बना करके। हम यही चाहेंगे कि गुजरातवासी, भारतवासी सभी इस फिल्म को देखें, इस दिन को मनाएं। 10 अक्टूबर और 8 फरवरी जी,
तो इतना कुछ समझने और सीखने को ढूंढने को मिलता है कि वो आदमी बड़ा होने लगता है, वो आदमी हो महिला हो जो जो भी हो, मगर हम बड़े होने लगते हैं कि हम समझने लगते हैं कि वो सब तत्व क्या है जो इंसान को बनाता है या एक्सलेंट बनाता है, क्योंकि गाने वाले तो पचासों हैं जो बहुत अच्छे गाते हैं, मगर कोई एक जगजीत बन पाता है। तो ये चीज़ मैं सबके लिए ये कहना चाहूँगा कि आप ये गाने सुने, आप फिल्म देखें, किताबें पढ़ें, आप गूगल सर्च करें, आप देखें कि क्या है जिसको लेकर के वो जगजीत बने और कैसे बने और कैसे कायम रहे इतने दिनों तक, जो आसान नहीं है। आप देखेंगे ये इंस्टाग्राम वाले इसमें कि दो महीने में लोग स्टार बन जाते हैं और फिर दो महीने में गायब हो जाते हैं, कोई दो साल में बन जाते हैं और फिर दो साल में गायब हो जाते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं 50 साल की, और वो 50 साल बनने में उनको 15 साल लगे, आसान नहीं था उनके लिए, इतना टैलेंट के बावजूद ये जगजीत सिंह बनना आसान नहीं था। मगर जब से वो बने उस समय में वो जब दुनिया समझने लगी क्योंकि वो एक अलग दिन चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। और आज यहाँ पे मतलब 12 अक्टूबर यहाँ पे यूनिवर्सिटी कन्वेंशन हॉल में जगजीत सिंह की यादों में जो प्रोग्राम बनाया गया है, आज उनके यहाँ बहुत सारे गाने यहाँ पे भेज सकेंगे और साथ में उनकी जो उनके ऊपर एक स्क्रीनिंग हम करने वाले हैं, जो प्रोग्राम होगा और उनके कागज़ की तस्वीर उसका स्क्रीनिंग यहाँ पे होगा ऑडिटोरियम के अंदर, तो हम वो भी आपको हमारे चैनल के द्वारा दिखाएंगे। सो फिर मिलते हैं तब तक नेक्स्ट बार। एक और चीज़ आपको, ये फिल्म जो है ये जगजीत सिंह के जिंदगी में उसके ये जगजीत सिंह जो जगजीत सिंह हो जाते हैं उनके पीछे वो इंसान क्या थे, कैसे बने, वो हमें देखने को मिलता है। तो एक कहावत है कि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर है कि जब हम तार छेड़ते हैं सांस का उसकी धुन तो सबको सुनाई देती है, मगर तार पे क्या गुजरती है वो किसे पता है। तो एक कलाकार की ज़िंदगी में क्या होता है, नहीं होता है, क्या हुआ नहीं हुआ, किसके साथ कैसे उन्होंने अपने आप को, कैसे उन्होंने अपने आप को संभाला, कैसे वो आगे बढ़ा और कैसे अपनी दुनिया अपने आस पास की दुनिया को बेहतर बनाई, कैसे